दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसके एक शहर में हर किसी को हर समय हंसना होता है। एक ऐसा देश जिसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक माना जाता है। यहाँ का अगर आपने पिज्जा खा लिया तो समझिए कि कहीं और का आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। दुनिया का वो देश जिसे दो अलग अलग देशों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इस वीडियो में हम आपको सैर कराने वाले हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश इटली की, जिसमें आप देख पाएंगे इटली की खूबसूरती, वहाँ के लोगों के रहन सहन, कल्चर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इटली के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है इटालियन रिपब्लिक। देश की कुल जनसंख्या है तकरीबन 6 करोड़ के आसपास। यहाँ पर 70% लोग शहर में रहते हैं तो बाकी के 30% लोग गाँव में। वहीं अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 206 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि यहाँ का औसतन उम्र है इस समय 47 साल के आसपास। इटली की राजधानी है रोम, जिसे इटर्नल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि रोम शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है। ये सन 1871 में इटली की राजधानी बना। दोस्तों, एजुकेशन के मामले में इटली दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। 2018 में की गई एक सर्वे के मुताबिक इटली की लिटरेसी रेट है 99.16%। यहाँ की बोलागना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में है। इटली में यूरोप के किसी और देश के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो ये देश इतना डेवलप्ड है। दोस्तों, इटली की करेंसी है यूरो। हमारे देश में एक यूरो 86.91 पैसे के बराबर है। इटली एक बहुत ही अमीर और एडवांस्ड देश है और इकोनॉमी के मामले में इटली पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इटली को दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग अपने देश को दिल से रेस्पेक्ट करते हैं और वे देश की छोटी से लेकर बड़ी हर रूल को फॉलो करते हैं। लोगों का मानना है कि जब देश की गवर्नमेंट लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है तो इन्हें भी तो सारे नियम कानून मान नहीं होंगे। इटली में एक और ऐसा नियम है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है कि इस देश में अगर आपने किसी भी जानवर को पाला है तो आपको उसका खूब ख्याल रखना होगा और उस जानवर को दिन में 3 बार बाहर घूमने के लिए ले जाना होगा। जी हाँ, और अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। आपको लगता होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास को मानते हैं, लेकिन नहीं। ये बात सुनकर शायद आपको शॉक लगा हो तो बता दें कि हमारे देश की तरह इटली भी अंधविश्वासी देश है। लोगों का मानना है कि अगर कोई आदमी आपके एक पैर पर झाड़ू चढ़ा दे तो आपकी जिंदगी भर शादी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, यहाँ लगभग 5 लाख लोग हर साल किसी न किसी बाबा के पास जाते हैं। हमारे देश की तरह ही यहाँ भी मानना है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाइए जनाब। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की कुल जनसंख्या में से 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। इतना डेवलप्ड होने के बावजूद क्यों लोग इंटरनेट यूज नहीं करते, वो तो इटली के लोग ही हमें बता सकते हैं। इटली के ज्यादातर लोग टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इटली ने बहुत सक्सेस हासिल की है। दुनिया बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक फिएट की कंपनी है। इसके अलावा भी 61.9% लोग नर्सिंग, टीचिंग और होटल मैनेजमेंट सेक्टर में काम करते हैं। वहीं इटली टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से ज्यादा इनकम टूरिज्म सेक्टर से ही होता है, इसीलिए इटली इतना डेवलप्ड देश है। इटली देश में लोगों को फुटबॉल का बहुत क्रेज है। यहाँ पर आपको हर एक यंगस्टर फुटबॉल के नशे में डूबा हुआ मिलेगा। आपने इटली के सीरी ए लीग के बारे में तो सुना ही होगा। इस लीग में दुनिया के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अब बात खेल की चल ही रही है तो चलिए इससे जुड़े एक और मजेदार बात बताते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारा देश क्रिकेट को कितना पसंद करता है। हमारे यहाँ आप अगर किसी से भी पूछेंगे कि 9 बॉल का मतलब क्या है तो आपको 1 मिनट में बता देगा, समझा भी देगा। लेकिन इटली में आप 9 बॉल नहीं बोल सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली में 9 बॉल का मतलब होता है आप कमजोर इंसान है, आपके बस की बात नहीं, आप किसी भी लायक नहीं है। और अगर आपने 9 बॉल कही तो कानूनी तौर पर आप एक अपराधी कहलाएंगे और आपको कैद या फिर $1000 का फाइन किया जा सकता है। दोस्तों, पूरे यूरोप में इटली एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप होते हैं। बस इतना ही नहीं, यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है और दुनिया के सबसे लंबी सुरंग, जिसकी लंबाई करीब 57 किलोमीटर है, वो इटली में ही है। इसका नाम है लॉट्सबर्ग बेस टनल, जो स्विट्जरलैंड से इटली तक फैली है। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है और यहाँ बनी शराब कई दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ परिवारों के लिए एक साथ शराब बनाने और परिवार के सभी फेस्टिवल्स में इसे पीने की परंपरा है।
जहाँ बात आती है खाने की, तो आपको बता दें कि इटली के लोगों को पास्ता, पिज्जा और रिसोटो खाना पसंद है। इटली की गॉरमेट फूड व्हाइट ट्रफल को इंटरनेशनल पहचान मिली है, हालांकि ये ट्रफल इटली के कुछ चुनिंदा जगहों पर ही मिलती है। दोस्तों, इटली के लोगों को फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा रोमांटिक लोगों में गिना जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं और ये लोग एक ही रिलेशन में कमिटेड होते हैं। और तो और, यहाँ स्कूल से ही बच्चे अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को लेकर सीरियस होते हैं। दोस्तों, इटली की लड़कियों को बहुत ही अट्रैक्टिव माना जाता है। यहाँ लड़कियाँ काफी लंबी होती हैं और ये बहुत ही फिट होती है, इसीलिए यहाँ के लड़कियों को देखने के बाद उनके ऊपर दिल आना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही फ्रेंडली नेचर की होती है और बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेती है। अगर आप चाहो तो बात दोस्ती से आगे भी बढ़ा सकती है। दोस्तों, इटली की खूबसूरती देखने के लिए हर साल इस देश में बाहर से 5 करोड़ लोग आते हैं। ये टूरिस्ट के मामले में दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलर देश है और यूरोप में भी 5वें नंबर पर ही है। इटली देश का 80% हिस्सा जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसकी संख्या है 50 से ज्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, इटली के उन जगहों की बात करते हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, और साथ ही बताएंगे यहाँ के वीजा का प्रोसेस। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नंबर 1 इज रोम। दोस्तों, इटली के सबसे खूबसूरत शहर है रोम, जिसे लाइफ में एक बार विजिट करना लगभग हर किसी का सपना होता है। इटली के इस प्राचीन और आधुनिक शहर फैशन, रोमन क्विजिन और सिनेमा की वजह से जाना जाता है। रोम का सबसे पॉपुलर स्पॉट है कोलोजियम, जो कि एक एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। इस इमारत को रोमन एम्पायर ने बनाया था। यहाँ पर पौराणिक कथाओं के आधार पर नाटक खेला जाता था, और तो और, यहाँ पर योद्धाओं के बीच सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खूनी लड़ाइयाँ करवाई जाती थी। जो भी हो, यहाँ पर जाकर लोगों को पता चलता है कि कैसे इटली पुराने जमाने से इतनी डेवलप्ड देश है। इसके साथ ही आप रोम में देख सकते हैं वेटिकन सिटी, सेंट पीटर्स बेसिलिका और दुनिया की सबसे चर्चित और भव्य धार्मिक इमारतों में से एक। नेक्स्ट इज वेनिस। दोस्तों, वेनिस इटली के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। महलों का दौरा करना, म्यूजियम की खोज करना, अपनी पुरानी सड़कों पर घूमना, छोटे छोटे गलियों की खोज करना, अनगिनत पुलों को पार करना, कैनल्स में नाव की सवारी करना, लुभावने पकवान और शराब का मजा लेना, यानी बस रोमांटिक माहौल एंजॉय करना हो तो ये शहर टॉप पर है। वेनिस शहर में ग्रैंड कैनाल नाम का वाटरवे है, जो कि शहर का मेन वाटरवे है। इस वाटरवे को द सिटी ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। वेनिस की और एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट है सेंट मार्क्स स्क्वायर, जिसकी नई नई शादियां हुई होती है, वो यहाँ आकर रोमांस करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोरेंस। इटली के टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल फ्लोरेंस शहर एक बहुत ही शानदार शहर है और इटली के सफर पर आए टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए बेस्ट जगह है। फ्लोरेंस को दुनिया का आर्ट कैपिटल कहा जाता है। खूबसूरत टस्कन विलेजर इलाकों में स्थित फ्लोरेंस दुनिया भर के आर्ट लवर के लिए एक बहुत पॉपुलर जगह है। सांता मरिया डेल फियोर इस शहर का सबसे खूबसूरत चर्च है, और ये इतनी खूबसूरत है कि हर लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आप अगर इटली आए तो ये शहर मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज पिज़ा। इटली का एक छोटा सा शहर है पिज़ा, लेकिन ये शहर मशहूर है अपने झुकी हुई मीनार यानी लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की वजह से। इसके आसपास कई इमारतें हैं जो एकदम सीधी हैं, और वहीं उनके बीच टेढ़ी मेढ़ी सी ये इमारत वाकई बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। ये झुकी हुई मीनार बनाने की शुरुआत की गई थी सन 1173 में, लेकिन इस मीनार को पूरा करने में लगे 200 साल। अपने निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती रही, और इसी झुकने की वजह से वो दुनिया भर में भी मशहूर रही। नेक्स्ट इज वेटिकन सिटी। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के बेहतरीन आर्ट कलेक्शंस को देखने का मन है तो दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी जरूर आइएगा। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है और यहाँ का राष्ट्र प्रमुख पोप होता है, और ये एक धार्मिक स्थान है। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग आते हैं वो सिर्फ धार्मिक ज्ञान लेने के लिए ही आते हैं। वेटिकन सिटी दुनिया के कुछ सबसे अमूल्य आर्ट कलेक्शंस का घर है, जहाँ पर कई मशहूर कलाकारों की पेंटिंग्स मौजूद हैं। नेक्स्ट इज पोम्पेई। अगर आप रोमन सभ्यता की आर्किटेक्चर देखनी है तो आपको तबाह हो चुके पोम्पेई शहर में जरूर जाना चाहिए। इस शहर को बदकिस्मतों का शहर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैकड़ों साल पहले इस शहर के पास हुए ज्वालामुखी विस्फोट में पूरा शहर जलकर खाक हो गया था। यहाँ रहने वाले लोग भी जिंदा जल गए थे। 1200 साल तक ऐसे ही दबे रहने के बाद इस शहर की खुदाई की गई, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिली। नेक्स्ट इज मिलान। अगर आप फैशन पसंद करते हैं तो इटली में यात्रा करने के लिए मिलान को अपनी जगहों की सूची में सबसे ऊपर लिखिए, क्योंकि ये शानदार शहर डिजाइन और फैशन के लिए काफी फेमस है। मिलान की सबसे अच्छी बात यह है कि खरीदारी करने के लिए ये सबसे अच्छा स्थान है। इस शहर की एक और खासियत है कि यहाँ पर हंसते रहना जरूरी है,
अगर आप नहीं हंसेंगे तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि अस्पताल में ये रूल लागू नहीं होते। आप जब भी मिलान जाएं तो हंसते जरूर रहिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। अगर आप कम दिनों के लिए जा रहे हैं और अगर आपके पास इम्पोर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको वीजा 15 दिन में मिल जाएगा। अगर आप 10 दिन की ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 1,18,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था इटली। कैसा लगा हमें बताइए कॉमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।